अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों को अनोखी खुशी दी। समाज सेविका प्रणीता त्रिवेदी ने, नमस्कार मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स, जहां सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की अध्यक्ष मनोरमा कुमार एक मुहिम चला रही हैं बाल विकास और महिलाओं को जागरूक करने की। तो वहीं पर आपको हम बता दें, संस्था की प्रमुख प्रणीता त्रिवेदी ने सिलाई मशीन पैरदान डोनेट किया ताकि निःशुल्क चल रहे इस प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई सीख रही लड़कियां और महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो सकी। जहां जब उन्होंने यह पैरदान मशीन बच्चों को और महिलाओं को दान की तो बच्चों के हौसले और महिलाओं के हौसले और बुलंद हो गए। तो वहीं पर संस्था की अध्यक्ष मनोरमा कुमार ने भी आभार व्यक्त किया संस्था की प्रमुख प्रणीता त्रिवेदी का, जहां उन्होंने बताया कि आखिरकार जो लगातार उनकी संस्था को हौसले दे रहे हैं उड़ान पंख, उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र, उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर। नमस्कार, मैं मनोरमा कुमार, सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की मैं फाउंडर। हमारी संस्था, जैसा कि आपको मालूम है, हम पहले भी कई बार रूबरू हो चुके हैं, हमारी संस्था महिलाओं की जागरूकता और बाल विकास पर कार्य करती है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको घरों से बाहर निकालना चाहती हूँ। उन महिलाओं को जो घर से बाहर, उन जिनके अंदर बहुत टैलेंट है पर वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उन महिलाओं को हमारी संस्था ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है महिलाओं को। कई प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मेन प्रशिक्षण सिलाई है, जो एक साल का पूरा कोर्स है, जिसमें प्रशिक्षण और जितने भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं सब में पूरा फुल कोर्स कराने के बाद सभी महिलाओं और बेटियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ब्यूटिशियन और मेहंदी का कोर्स, साथ में गायन, डांस और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण केंद्र में सभी महिलाओं और बेटियों को योगा भी कराया जाता है, ताकि जब स्वस्थ रहेंगी तभी तो कार्य कर पाएंगी। उन बेटियों के लिए जो बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, वर्क के लिए निकलती हैं, स्कूल के लिए निकलती हैं और वो सुरक्षित नहीं, हर जगह वो सुरक्षित नहीं होती हैं, उनकी आत्म सुरक्षा हेतु संस्था के प्रशिक्षण केंद्र में जूडो कराटे की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी ट्रेनिंग मीनाक्षी जी दे रही हैं, जो बहुत ही अच्छी ट्रेनर हैं। आज बड़े गर्व के साथ मैं आप सभी को ये बता रही हूँ कि हमारे प्रशिक्षण केंद्र में हमारी संस्था की प्रणीता जी ने महिलाएं जो सिलाई सीख रही हैं उनको सिलाई सीखने के लिए, ताकि सिलाई सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक मशीन पाँवदान डोनेट किया है। सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों को अनोखी खुशी दी समाज सेविका प्रणीता त्रिवेदी ने। वहीं आपको बता दें, इस वक्त की खबर जो आ रही है सामने, उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है, जहां पर सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन के प्रशिक्षण केंद्र में संस्था की प्रमुख प्रणीता त्रिवेदी ने सिलाई मशीन पैरदान डोनेट किया ताकि निःशुल्क चल रहे इस प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई सीख रही सभी महिलाओं को सिलाई मशीन के द्वारा सिलाई सीखना सुविधाजनक हो। और प्रणीता ने यह भी सुझाव दिया कि महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ उनको संस्था की तरफ से रोजगार मिले, जिसके तहत सोमवार से महिलाओं को बैग बनाना, थैले बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि महिलाएं स्वरोजगार के लिए समर्थ हों, किसी पर भी निर्भर ना रहें। प्रणीता ने इस प्रस्ताव का मनोरमा कुमार अध्यक्ष
सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन ने तहे दिल से समर्थन किया। वहीं उन्होंने बताया कि सहयोग के लिए वह उनके लिए तहे दिल से उनका आभार प्रकट करती हैं। सखियों द्वारा बनाए गए सखी स्माइल इंडिया संस्था की तरफ से प्रणीता आपको बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू का संदेश दिया। वहीं यह कार्यक्रम लोक बंधु सेक्टर बी LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ पर स्थित सखी स्माइल इंडिया के प्रशिक्षण केंद्र में आज सिलाई मशीन पैरदान प्रणीता त्रिवेदी के द्वारा डोनेट किया गया। इस मौके पर संस्था की प्रणीता त्रिवेदी, महामंत्री रमिंदर कौर, प्रदेश अध्यक्ष हितेंद्र कुमारी, संस्था के संरक्षक लज्जावती, सिलाई ट्रेनर मनोज एवं संस्था के सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन को प्रणीता जी ने मशीन सिलाई की मशीन सिलाई के बच्चों को दी है, तो बच्चे बहुत खुश है। काफी सखी स्माइल इंडिया की तरफ से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।